एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमाया, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको हफ एंड कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये सिरप आपके बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देती है, इसके बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और डोज, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइस ये हफ एंड कफ जो सिरप है वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई दवा है, लिक्विड है, जिसका उपयोग आपके कफ खांसी जुकाम जैसी समस्या को दूर करने में किया जाता है। गाइस अगर आपके गले में तकलीफ़ हो, जैसे कि गले में दर्द हो रहा हो, इन्फेक्शन हो, या फिर आपको कफ या खांसी जैसी समस्या हो, इरिटेशन हो रही हो गले में, तो उस स्थिति में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कफ खांसी जुकाम जैसी समस्या से आपको राहत देने में मदद करती है नेचुरली तरीके से। किसी भी प्रकार का कफ हो, सूखी या गीली किसी भी प्रकार की हो, उन सब समस्याओं से आपको राहत देने का काम करती है। इसके अंदर गाइस जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, सारे औषधीय तत्व मिलाए जाते हैं, सारे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि आपके कफ खांसी जुकाम जैसी समस्या को दूर करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में जष्टी मधु, भ्रामरीच और शहद और तुलसी ये बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपके सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या से राहत देते हैं। चाहे वो गले में जमा हुआ कफ हो या फिर छाती में जमा हुआ कफ हो, सभी प्रकार के कफ को बाहर निकालने में मदद करती है। इसका प्राइस गाइस अफोर्डेबल है, इजीली तरीके से आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। और इसका जो डोज है गाइस, आप एक एक चम्मच दिन में दो बार इसका सेवन करना है, या फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से लेना है, किस तरीके से नहीं लेना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए गाइस डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। हर्बल कफ मेडिसिन है, जो कि सभी प्रकार के कफ में यूज की जाती है, 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है, सेफ है, प्योर है, साइड इफेक्ट नहीं है गाइस इस सिरप के। लेकिन खुराक से ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे या फिर आप डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सो याद रखें गाइस, ना तो खुराक से ज़्यादा मात्रा में लें और ना ही डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन करें। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो गाइस ये सिरप आपको मार्केट में इजीली तरीके से मिल जाती है, या फिर आप ऑनलाइन भी अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे, सस्ता अफोर्डेबल लगे, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो गाइस आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। अगर गाइस ये सिरप मार्केट में आपको नहीं मिल रही हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक भी शेयर की हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे, सस्ता अफोर्डेबल लगे, उस तरीके से आप इसको खरीद सकते हैं। गाइस ये जो हफ एंड कफ सिरप है वो न केवल आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, बल्कि इसकी गोली की फॉर्म में भी मिलती है, टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है। दोनों के एक ही प्रकार के बेनिफिट हैं, तो किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरप को भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी टैबलेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। पर याद रखें गाइस, डॉक्टर की सलाह के बिना सेवन ना करें, खुराक से ज़्यादा मात्रा में ना लें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।